जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाई और उनकी बहनों का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइज अभी मैं स्ट्रे डॉग्स को जो फूड देने वाला हूँ, मेरे पास डिफरेंट फूड है, बट अभी मैं कंफर्म नहीं कि वो लोग ये फूड खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो जी ये हमारे पास कुछ फूड है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैं स्ट्रे डॉग्स को देने वाला हूँ। और अभी यहाँ पर मैं जा रहा था तो मुझे हमारा फर्स्ट एक स्ट्रे डॉग नज़र आ गया, तो अभी मैं उसके पास ही जा रहा हूँ और फिर देखता हूँ कि वो खाता कि नहीं खाता। अगर नहीं खाएगा तो फिर कुछ हम और ट्राई करेंगे, बट आज हम लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने वाले हैं। अच्छा गाइस, फर्स्ट आई वाज़न्ट श्योर कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये वाला फूड खाएंगे कि नहीं, बट ये जो हम हमारा जो फर्स्ट वाला था जिसको हमने स्ट्रे डॉग को दिया उसने ये फूड खा लिया, तो इससे मुझे पता चल गया कि बाकी भी खा लेंगे। तो ये तो हैं डॉग बाइट्स, जो कि किसी भी एज के डॉग का आप दे सकते हो और उनके लिए हार्मफुल नहीं होते ये। तो ये जो मेरे घर पर डॉग्स हैं वो तो बहुत शौक से खाते, तो मैंने सोचा यही उनके लिए भी ले लेता हूँ। तो जो फर्स्ट वाला था उसने तो खाए, तो अभी जो हमारा जो सेकेंड टारगेट है वो बिल्कुल हमारे सामने है, तो अभी हम उनके लिए प्लेट तैयार करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी खा लेंगे। मेरे पास ये और शरून के पास जो है उसके पास हमारे पास पैटिक के बिस्कॉर एंड ग्रेवी फ्लेवर में, और ये बेसिकली डॉग्स को ट्रेन करने के बाद उनका ऐसा ट्रीट दी जाती है, तो आज हम लोग स्ट्रे डॉग्स को ट्रीट दे रहे हैं, तो उनके लिए भी आज हम लोगों ने सेम वही चीज़ की है। दे 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 खाएगा खाएगा। चलो चलें। यहाँ के जो डॉग्स हैं उनका उनका सबका मेन्यू डिफरेंट है, कोई केक खाता है कोई कुछ खाता है। तो यहाँ के जो डॉग्स हैं वो केक खाते हैं, उनका हम केक खिला रहे हैं। और ये अंकल ने हमें देखा कि हम डॉग्स को खाना खिला रहे, तो उन्होंने भी हमारे साथ हमारी हेल्प की और वो खाना खिला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मेरे से काफ़ी ज़्यादा खेला, मेरे इन पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ गया, तो मैं इनके लिए अब मेन्यू चेंज करके लाया और मैं ट्राई करूँगा कि ये लोग खा लें वो। ये राउंड करता है, ये दांत मार के करती है। ये दोस्त बन गया बात का खत्म हो गया। अच्छा गाइस, कल हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमे और हमें ना डॉग्स नहीं मिल सके और शाम भी काफ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं आज उसको शूट नहीं कर सकता। तो अभी नेक्स्ट डे है और हम लोग अब फिर से डॉग्स ढूंढने हैं, और हमें पहला हमारा जो डॉग है उधर की फेरे तो भी नज़र आ गए, उनको लेने जा रहे हैं खाना। होप्स हो गए वो चला नहीं रहे कहीं पर, और इन लोग ये जो यहाँ के डॉग्स हैं इनका मेन्यू ये रहे, नहीं तो मैं मेन्यू चेंज करना पड़ेगा।
आएगा 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 उस साइड लेफ्ट साइड देखिए लेफ्ट साइड देखिए तो आप लोग देख सकते हैं जो होमलेस पीपल है इन्होंने इन डॉग्स को रखा था अपनी सेफ्टी के लिए और ये वही जगह है जहाँ पर मैंने अपने एक बार शॉर्ट्स इस वीडियो के लिए थे तो मैंने सोचा अगर इनको तंग किया था तो क्यों ना इनको ही खाना दूँ मैं। कहते हैं कि नेकी करके ऐसे बोल जाते जैसे तुम गुनाह करते हो अपने खुदा को भूल जाते हो तो ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा ना मुझे आप लोगों की सिंपथी गेन करनी है। मैंने जो किया मैं मानता हूँ कि वो गलत था और उसकी मैंने अपोलोजाइज भी कर ली आप लोगों से भी खुदा से की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मुझे माफ़ भी कर देंगे। और ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद यही था कि मैं अवेयरनेस देना चाहता था कि हमें इन स्टेडों का ख्याल रखना चाहिए, इनको पहनने को देना चाहिए, इनको खाने को देना चाहिए और मोस्ट स्पेशली हमें इनको मारना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो अगर आप लोग इनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो प्लीज़ इनको काइंडली आप लोग मारा भी ना करें। जैसे आप लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया था बहुत ज़्यादा, इसको भी आप लोगों ने शेयर करना है क्योंकि ये अवेयरनेस वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस सब तक पहुँचे। थैंक यू सर।